Hey guys, welcome back to my channel. आप देख सकते हैं मेरी कार कितनी ड्रिवन है, 10,836 किलोमीटर, 10,836 किलोमीटर मेरी कार चल चुकी है। मेरी कार को पूरे 1 साल 1 महीने हो गए हैं एंड माइलेज काफी अच्छा देती है कार। रफ ड्राइविंग मैंने की थी 37 किलोमीटर में एंड देख सकते हैं 17.1 का माइलेज। एंड तो उसके बाद मैं वो कार में वाइब्रेशंस दिखाना चाहता हूँ जो रॉयल ट्रोस के अंदर है, एकदम हल्के ही है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरा इंजन वार्म अप हो चुका है, कोल्ड इंजन स्टार्ट के बाद मैंने इसको वार्म अप होने दिया, तो अभी 1000 से नीचे आरपीएम है। तो अब देखिए यहाँ वाइब्रेशन कितना है। देखिए हिल रही है। अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे हल्का हल्का ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, मतलब सीट बेल्ट का जो ये है उसमें छूने वाइब्रेशन आ रहा है। गियर में एकदम एकदम लिटिल बिट एकदम मतलब नोटिस नहीं कर सकते इतना वाइब्रेशन है। स्टीयरिंग भी बहुत कम है एंड जहां मैं पैर रखता हूं वहां पे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। ज्यादा वाइब्रेशन नहीं है इस कार में, मतलब 1 साल 1 महीने हो गए एंड 11,000 करीब चल गई है मेरी कार। उसके बाद भी मतलब जितना स्टार्टिंग वाइब्रेशन आपको मिलता था उतना ही है, कोई भी मतलब चेंजेस नहीं आए वाइब्रेशन में, उतना ही है एकदम, मतलब एकदम बहुत मतलब बहुत ही कम इसमें क्या बोलते हैं वाइब्रेशन है, बहुत ज्यादा कम। जिस पे लगा के दिखाता हूँ आपको, वो तो बिल्कुल नहीं हिल रहा है, इस वाले में हिल रहा था, ये देखिए इसमें हिल रहा है, एकदम लिटिल बिट वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेंगे टाटा अल्ट्रोज में। तो अभी कई लोग को डाउट भी रहता था कि इसका इंजन रिलायबल है कि नहीं, अगर आप अच्छे से ड्राइव करते हैं तो एक इसका इंजन बहुत रिलायबल है आपके टाटा कार्स का। तो कई लोग को डाउट रहता था कि इंजन रिलायबल है कि नहीं है, तो इंजन इसका रिलायबल है, आपकी टाटा कार्स काफी अच्छी है पहले के मुकाबले, तो इंजन भी रिलायबल है। एक मतलब 13 महीने हो गए मेरी कार को, उसके बाद भी जितना स्टार्टिंग में वाइब्रेशन था उतना ही एकदम लिटिल बिट, कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं है एंड इंजन नॉइज भी कोई बड़ी नहीं है, उतना ही है। माइलेज बस बहुत अच्छा देती है मेरी कार एंड ये चीज जो मैंने दिखाई आपको ये मैं यूज नहीं करता हूँ। इस सीट में जो बैठता है उनके लिए, जैसे दादी वगैरह बैठ जाती हैं तो उनके लिए बिकॉज सीट बेल्ट लगाना थोड़ी दिक्कत होती है उनको, इसलिए ये यूज करना पड़ता है, इसलिए सिर्फ एक सीट का। बिकॉज मैं जब भी ड्राइव करता हूँ मैं हमेशा सीट बेल्ट लगाता हूँ, तो आप ये चीज यूज ना करें, ठीक है? मतलब जिनको सीट बेल्ट लगाना पसंद है, जो बूढ़े लोग हैं घर पे उनके लिए ये, तो आप ले सकते हैं आफ्टर मार्केट। सो गाइस थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।